أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قاتم النبيين شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المصدق مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين لعنة الله على أعدائه الأجمعين آمين يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم قبير हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी जिस आय करीमा की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया है, क़ुरान करीम की सूरह हिज्र की 13वीं आयत कि जिसके ज़ेर रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह पहली मुहर्रम से हमारी गुफ्तगू जारी है, कल की मजलिस के हवाले से हमने जाना कि दीन इस्लाम वो मज़हब है कि जिसने औरत के हुकूक से उसे आशना किया, जिसका ये आयत कि जिसने अभी मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया गवाही दे रही है, इरशाद बारी ताला हो रहा है कि ऐ इंसान हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से खल्क़ किया है और तुम्हें शाखों और कबीलों में करार दिया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको और तुम में से सबसे बेहतर वो है कि जो साहिब तक्वा है और खुदा अलीम कबीर है। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने इस आए करीमा के रोशनी में इस बात की वजाहत कर दी है कि खुदा के नज़दीक वही इंसान मुकर्रम है, मोतबर है, मोहतरम है कि जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। परवरदिगार आलम ने गोया तक़वे को एक ऐसा मयार करार दिया है कि जिसके ज़रिए से इंसान की कद्र मंजिलत का नापना मुमकिन है। अगर कोई शय इंसान को बुलंद या पस्त कर सकती है तो वो उसके तख्वे के बिना पर, कि जो इंसान साहिब तख्वा होता है उसकी मंजिलत बहुत बुलंद हो जाती है। और नौज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता अगर ये सिफत किसी में नहीं पाई जाती तो वो पस्ती में धंसा चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ परवरदिगार आलम ने यह ऐलान कर दिया कि उसके नज़रों में मर्द और औरत एक बराबर हैं, अगर कोई मोतबर और मोहतरम है तो वो तख्वे की बिना पर, तो ये तख्वा क्या है? क्या तख्वा ये है कि इंसान इस दुनिया से दस्तबरदार हो जाए? क्या तख्वा ये है कि इंसान नफ्स कशी कर ले? नहीं, दीन इस्लाम एक प्रैक्टिकल मज़हब है कि जो इंसान की फितरत के ताबे है, यानी परवरदिगार की जिसने हमें खल्क किया है
हमारा खालिक हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर जानता है। परवरदिगार ने जिस फितरत पर हमें पैदा किया है वैसे अहकाम हम पर वाजिब किए हैं। तख्वे का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया से दस्तबरदार हो जाए। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तख्वा ये नहीं कि इंसान दुनिया से दस्तबरदार हो जाए या हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर दे, बल्कि तख्वा तो ये है कि जो दुनिया में परवरदिगार ने उसे माल और दौलत दी है उससे ज़्यादा उसे खुदा की कुदरत पर यकीन हो। यानी बात वाज़े हो गई कि जो खुदावंद करीम ने हमें नेमतें अता की है उसका हमें बेहतरीन इस्तेफादा करना है और इस दुनिया के ज़रिए से हमें आखिरत को हासिल करना है। क़ुरबान जाएं हमारी जानें हमारे खालिक पर। ये दीन इस्लाम एक ऐसा जामे तरीन मज़हब है कि जिसने ज़िंदगी के किसी गोशे में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। परवरदिगार कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि जो दुनिया में माल तुम्हें अता किया गया है इसके ज़रिए से अपने आखिरत को सवारो और इस दुनिया में अपने हिस्से को ना भूलो। सुभान अल्लाह। यानी परवरदिगार ने वाज़े तौर पर बता दिया कि अगर खुदा ने नेमतें इस दुनिया में किसी बंदे को अता की हैं तो उसे चाहिए कि उसका बेहतरीन इस्तेफादा करे और इस दुनिया के ज़रिए से अपने आखिरत का हुसूल करें। यानी अगर किसी को माल अता हुआ है, किसी को शोहरत अता हुई है, जमाल और कमाल अता हुआ है तो उसके ज़रिए से इस दुनिया के ज़रिए से बेहतरीन इस्तेफादा करते हुए वो अपने आखिरत को भी सवारे। आखा नामदार का ज़माना है। तारीख लिखती है कि आखा के ज़माने में एक इनहराफी लोगों में फ़िक्र फैल गई थी। आखा की बारगाह में तीन औरतें मस्जिद नबवी में आती हैं। एक बढ़कर कहती है कि ऐ हबीब खुदा, मेरे शौहर ने औरत की कुर्बत से तर्क कर दिया है। दूसरी ने कहा कि मेरे शौहर ने इत्र लगाना या खुशबू लगाना तर्क कर दिया है। तीसरे ने कहा कि मेरे शौहर ने अच्छी ग़िज़ा खाना तर्क कर दिया है। और वसाइल शिया में ये रिवायत की आखा इतनी तेज़ी से मस्जिद की जानिब दौड़े कि आपकी रिदा आपके दोस्त से सरक गई, हत्ता की रिदा ज़मीन को झाड़ रही है। तेज़ी से आखा मस्जिद में दाखिल हुए हैं, मिंबर के पहले जीने पर पहुँचे हैं, लोग जमा हो गए हैं। आखा ने इस इनहराफी फ़िक्र के ख़िलाफ़ खुतबा दिया, लोगों को आगाह किया कि जो परवरदिगार ने तुम्हें नेमत अता की है, जो हलाल रिस्क तुम्हें अता किया है उसे खुद पर हराम न कर देना। दीन इस्लाम में इकोनॉमिक लाइफ को तीन हिस्सों में बांट दिया है। तीन नुक्ते नज़र से इस्लाम इकोनॉमिक लाइफ को देख रहा है। पहली, ऐसी ज़िंदगी जो इंसान ज़रूरियात ज़िंदगी को हासिल करने में गुजारता है। यानी इंसान अपनी रोज़ी रोटी के फ़िक्र में, अपने अहल आयाल के रोज़ी और रोटी के फ़िक्र में परेशान होता है। सिर्फ इतना ही कमा सकता है कि जिससे उसका और उसके अहल खाना का पेट भर सके। मर्द पर ज़िम्मेदारी इस्लाम ने दी है कि वो अपने और अपने अहल खाना के नान और नुक्ते का इंतज़ाम करे, अपने बच्चों का परवरिश का इंतज़ाम करे। यानी एक ऐसी ज़िंदगी कि जहाँ बस ज़रूरियात ज़िंदगी पर इंसान की नज़र होती है। दीन इस्लाम कहता है कि कम अज़ कम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इंसान ख़ुद अपना कफ़ील हो, अपने लिबास का और अपने खाने पीने का इंतज़ाम और अपने अहल खाना के खाने पीने का और अशिया का इंतज़ाम मर्द को करना ज़रूरी है। मौलाए कायनात ने हमें दर्ज दिया वो अली
कि जो रात में बच्चे की तरह गिरिया करके मेहराब इबादत में खुदा की बारगाह में तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, जहाँ सुबह नमूदार हो रही है तो मौला बागात में मेहनत और मशक्क़त करते नज़र आ रहे हैं। तारीख लिखती है कि 25 साल की ज़िंदगी में ज़ाहरी हुकूमत में भी और इसके पहले भी कोशा नशीनी की ज़िंदगी में भी मौला ने कई नखलिस्तानों को आबाद किया था। मौला ने मेहनत और मशक्क़त खेतों में की, बागात में की, जिससे खुद के लिए भी रोटी कमाई, गरीबों तक भी उनका हक पहुंचाया। दीन इस्लाम ने इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत वाज़े की है, इतना ज़्यादा ज़ोर इस मरहले पर दिया है कि कोई भी इंसान बेकार ना बैठे, काहिल ना बन जाए, सुस्त ना बन जाए। हत्ता की तारीख लिखती है कि जब ज़ाहरी खिलाफत में मेरा मौला बसरे को गए हैं, यहाँ मस्जिद बसरा में मौला दाखिल हुए, कुछ अजीब मंज़र देखा, देखा कि जहाँ तमाम अहले बसरा अपनी रोज़ी रोटी के फ़िक्र में अपने घरों को छोड़ कर निकले हैं, वहाँ चंद अफराद मस्जिद के कोने में बैठे हुए हैं और ऐसा इजहार कर रहे हैं कि वो खुदा का इबादत कर रहे हो। मौला ने लोगों से पूछा कि ये कौन है, लोगों ने कहा कि ये रिजाल हक हैं, यानी वो मर्द हैं जो हक पर हैं, ये तमाम दिन और तमाम रात इबादत परवरदिगार में मस्जिद में गुजारते हैं। मौला ने सवाल किया कि बताओ इनके खाने पीने का इंतज़ाम कौन करता है, लोगों ने कहा कि अगर किसी को इन पर रहम आ जाए तो कुछ खाने को दे जाते हैं, उसी से ये इक्तफा करते हैं। मौला ने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि इन्हें मस्जिद से निकाल दिया जाए और उन्हें हुक्म हुआ कि जब नमाज का वक्त दाखिल हो तो मस्जिद में आना, वरना अपने रिस्क के हुसूल की तलाश में निकलना, कि रिस्क का हुसूल खुद एक अपने आप में एक ऐसे इबादत है कि अगर कोई इंसान हलाल रिस्क की तलाश में निकलता है तो गोया वो जहाद के लिए निकला हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख लिखती है कि छठे आखा का ज़माना है, एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान आता है, कहता है कि ऐ फ़र्ज़ंद रसूल मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ और तमाम दिन मस्जिद में बैठता हूँ, तस्बीह और तहलील करता हूँ। उसने सोचा कि इमाम उसकी ताईद करेंगे, उसको शाबाशी देंगे, मगर तारीख लिखती है कि इमाम ने 3 मरतबा कहा कि हाजा अमल शैतान, यानी ये शैतान का अमल है। आज लोग ये कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। 1400 साल पहले दीन इस्लाम ने हमें बता दिया कि खाली दिमाग फतूर की मकाम है। इंसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो नेकी करने में गुजारे। छठे आखा फरमाते हैं कि तुझ पर वाजिब है कि तू अपने अहलो आयाल के लिए रिस्क और रोटी का इंतज़ाम कर। अगर तू इतना ज़ईफ़ हो गया है कि कोई काम मैसर नहीं है तो कम अज़ कम अपने अहले खाना की मदद कर लिया कर, अपने हमसायों और पड़ोसियों की मदद कर लिया कर। इससे इंसान की ज़िंदगी के ज़रिए से दूसरों को फ़ायदा पहुँचता है। सुभान अल्लाह। यानी बात वाज़े हो गई कि दीन इस्लाम में इंसान को काम करने की, दुनिया की फ़िक्र के ज़रिए से आखिरत को हासिल करने की ताकीद की गई। अब इख्तिसादी ज़िंदगी यानी इकोनॉमिक लाइफ का दूसरा नुक्ते नज़र, दूसरा पहलू, कि जहां इंसान खुशहाल ज़िंदगी को गुजारता है, आराम और आसाइश की ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी कि जिससे वो ख़ुद भी खुश हो, बेहतरीन लिबास से बेतन करे, अपने अहले खाना को बेहतरीन से बेहतरीन अशिया देने के लिए मेहनत और मशक्क़त करे, जिसके बारे में खुदावंद करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ रसूल इनसे पूछो कि जो साज़ो ज़ीनत का सामान और जो ताहिर ग़िज़ा हमने इनके लिए पैदा की थी, किसने इन पर हराम कर दी है। तारीख लिखती है कि आखा के ज़माने में कि जब लोगों ने
अच्छी गिजा को तर्क कर दिया था तो ये आयत नाजिल हुई। गोया परवरदिगार आलम अपने बंदों से कह रहा हो कि जो नेमत वो अपने बंदे को अता करता है उसे चाहिए कि खुदा का शुक्र करे और उसका इस्तेफादा करे, अपने आप को फ़ायदा पहुंचाए और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। छठे आखा की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है, सैयदो मौला, मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ओहदों से नवाजे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दौलत अता करे। इमाम ने कहा कि अगर तुझे खुदा दौलत से नवाज दे, ओहदे दे दे, तो बता तू इससे क्या करेगा। कहा कि मैं इस दौलत और ओहदे के ज़रिए से ख़ुद भी मुस्तफिद होऊंगा, दूसरों को इसका फ़ायदा भी पहुंचाऊंगा। बस इमाम ने कहा कि तेरा ये इरादा नेक है, यानी बात वाज़े हो गई कि अगर इंसान मेहनत और मशक्क़त के साथ, हराम और हलाल की तमीज़ के साथ, मेहनत के साथ रिस्क को कमाता है, ओहदे पर फायज होता है और उस ओहदे के ज़रिए, उस माल और ज़र के ज़रिए, हलाल ज़राए से ख़ुद को और अपने अहले खाना को बेहतरीन ज़िंदगी फराहम करना चाहता है तो ये अपने आप में एक इबादत है। हत्ता कि बहुत ज़्यादा ताकीद की गई मर्द के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करे कि वो अपने अज़्दवाज को बेहतरीन ज़िंदगी पहुँचाए, बेहतरीन ज़िंदगी अता करे। अगर औरत अपने घर में के लिए मेहनत और मशक्क़त करती है, अपने शौहर के घर को सवार रही है, तकलीफ़ें उठाती है ताकि उसके घर खुशहाल रहे, उसके बच्चे अच्छा ज़िंदगी गुजारें, तो ये अपने आप में एक इबादत शुमार होती है। इस्लाम इस चीज़ की ताकीद करता है, इस चीज़ की मनाही नहीं है। और अब इख्तसादी ज़िंदगी यानी इकोनॉमिक लाइफ का तीसरा पहलू इस्लाम की नुक्ते नज़र से, कि जहाँ इंसान ऐश और तैश में ज़िंदगी को गुजारता है, यानी ऐसी ऐश की जिसकी वजह से वो अपने आखिरत को दुनिया पर क़ुर्बान कर देता है, दुनिया की फ़ानी अशिया के लिए वो खुदा की मुखालिफत पर आमादा हो जाता है। तो ऐसा इंसान के लिए परवरदिगार कहता है कि ऐ इंसान तू खसारे में है। वो इंसान की जिसने इस दुनिया को बहुत ही सस्ते दाम में ख़रीद लिया हो, आखिरत का सौदा बहुत सस्ते दामों में कर लिया हो, तो परवरदिगार ऐसे इंसान के लिए कहता है कि ये पस्ती की मंजिलत में जा रहा है, ये खसारे में है, जिसके लिए बढ़कर कुरान का सूरा वल असर गवाही दे रहा है। परवरदिगार कहता है कि वल असर, इन्नल इंसान लफी खुसर, वक्त असर की कसम है, इंसान तो खसारे में है। इंसान को चाहिए कि हराम और हलाल की तमीज़ के साथ ज़िंदगी का हर पहलू और हर लम्हा गुजारे, चाहे मर्द हो या औरत हो, ज़िंदगी में अगर अमल करे तो खुदा की रज़ा के लिए अमल करे, खुदा की खुशनूदगी के लिए अमल करे, उसकी कुर्बत के लिए अमल करे, तो वो साहिब तख्वा हो जाए और खुदा की नज़र में वो ज़्यादा मोतबर बन जाए। चाहे मर्द हो या औरत हो, इस मेयार में खुदा ने किसी में फ़र्क नहीं रखा और कुरान बढ़कर गवाही दे रहा है कि तुम में से जो भी अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, इनके अमल को मैं ज़ाया नहीं करूँगा, बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से हो। सुभान अल्लाह। खुदावंद आलम ने इस आयत के ज़रिए से बारहा इस बात को वाज़े किया है कि खुदा के नज़र में मर्द और औरत में फ़र्क नहीं है। आज जो गैर हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि दीन इस्लाम में औरतों के हुकूक़ को पस्त कर दिया है, इस्लाम में औरत की कोई हकीकत नहीं, खुदा का कुरान बढ़कर कह रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से हो। और परवरदिगार कहता है कि कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, यानी ए इंसान, हर इंसान अपने आमाल का गिरवी है, यानी जो इंसान अमल करेगा उसका हर अमल का ज़िम्मेदार वही होता है, और जैसा अमल करेगा वैसे ही खुदा से अज्र पाएगा। ये आए करीमा उस फिक्र का जवाब है कि जो दौरे जहालत में आम थी। देखिए, दौरे जहालत में
औरत की कोई हकीकत नहीं थी। दुनिया के कोने में औरत को कोई शय माना नहीं जाता था, और ये फिक्र बहुत आम थी बिलखुसूस अरब के सहरा में कि अगर औरत कोई नेकी करती है तो इस नेकी का सिला उसके वली को मिलता है, यानी उसके बाप को या उसके भाई को या उसके शौहर को इसका सिला मिलता है जो उस वक्त उसकी सरपरस्ती करते हैं, और अगर औरत कोई गुनाह करती है तो उसका गुनाह उसके सर होता है। क़ुरान ने, परवरदिगार आलम ने वाज़े तौर पर बता दिया कि हर इंसान अपने अमल का गिरवी है, यानी जो अमल वो करेगा उसका ज़िम्मेदार वही इंसान होगा। गुज़िश्ता ज़माने में औरतों को इतना हक़ न था कि वो अपने ईमान का इजहार कर सके, अपने अकीदे पर अमल कर सके। जो उसकी वली का ईमान होता था, अकीदा होता था, मज़हब होता था, औरत उसे ही अपना लिया करती थी। दीन इस्लाम ने ऐसा इनकलाब बरपा किया कि औरत को उसने कुव्वत बख्शी तख्वे की, कि जहां औरत अपने तख्वे की बिना पर अपने ईमान का इजहार करने लगी। दीन इस्लाम ने औरत को ये रुतबा दिया कि औरत ने अपने मज़हब को चुनने का पूरा इख्तियार मिला, और औरत ने अपने अकीदे का इजहार करना शुरू किया। यही वजह थी कि जब आखा इनामदार ने तौहीद का परचम लहराया था तो कई ऐसे थे कि जिन्होंने अपने वली की मुखालिफत की, बाज़ ने अपने बाप की मुखालिफत की, बाज़ ने अपने भाइयों की मुखालिफत की, और बाज़ ने अपने शौहर की मुखालिफत की और दीन इस्लाम को कबूल किया। सुभान अल्लाह, तारीख़ में कई ऐसे किरदार मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि तवीली गुफ्तगू हो, बस दिल चाहता है कि तारीख़ के आज एक अहम किरदार का जिक्र हो जाए कि जिसका नाम उम्मे हबीबा है। उम्मे हबीबा वो बीबी हैं कि जिन्हें रसूल अल्लाह की ज़ौजियत का भी शरफ़ मिला। ये वो बीबी हैं कि जो अपने तख्वे के बिना पर कमाल की मंजिलों पर पहुंची हैं, तख्वे की कुव्वत की वजह से अपने ईमान का इजहार भी किया है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले बिलखुसूस अपनी बच्चियों से कि ये उम्मे हबीबा कौन हैं। उम्मे हबीबा जिगरखार हिंदा की बेटी हैं, अबू सुफियान जैसे दुश्मन इस्लाम की बेटी हैं। यहाँ उम्मे हबीबा ने जब इस्लाम को कबूल किया है तो आलम यह है कि माँ भी जिगरखार है और ख़ुद बाप इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। वालिदैन की मुखालिफत की, बाप की मुखालिफत करके दीन इस्लाम को कबूल किया है। इब्तदाई एतबार से आपके शौहर रसूल अल्लाह के पुपीजाद भाई थे कि जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जहश है। अब्दुल्ला इबन जहश एक ऐसा शख्स था कि जिसने इस्लाम को कबूल किया था मगर दिल की गहराइयों से नहीं। देखिए, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को उस वक्त कबूल किया तो बाज़ ने मजबूरी के खातिर, बाज़ ने अपने दोस्तों की खातिर, कि जिसे आज हम कहते हैं कि प्योर प्रेशर, दोस्तों की खातिर इस अब्दुल्ला इबन जहश ने इस्लाम को कबूल किया। मगर उम्मे हबीबा का ये आलम है कि दिल की गहराइयों से दीन हक को तस्लीम किया है, खुदा की वहदानियत की गवाही भी दी है, रसूल अल्लाह की रिसालत की गवाही भी दी है। दिल में मोहब्बत अली ने, दिल में मोहब्बत रसूल ने ऐसी जगह पाई है, ऐसी शमा रोशन हुई है कि दिल मुनव्वर हो गया है। अब तारीख लिखती है कि इस्लाम की पहली हिजरत, कि जहां मुसलमानों ने रसूल अल्लाह के हुक्म पर हबशा में हिजरत की थी, तो वहां उम्मे हबीबा भी अपने पहले शौहर अब्दुल्ला इबन जहश के साथ हिजरत कर बैठी। अब हबशा में गई हैं, कुछ ही दिन गुजरे थे कि अब्दुल्ला इबन जहश को ईसाई मजहब से रगबत हो गई।
मज़हब मसीह से आपको इश्क हो गया, मुतासिर हुए और उस वक्त अपने बीवी के पास आए। तारीख लिखती है कि जिस सुबह उम्म हबीबा के पास ये आया है, उसके एक रात पहले उम्म हबीबा ने ख्वाब देखा है। बीबी देख रही हैं कि आपका शौहर आपके सामने आया है, मगर चेहरा बदला हुआ है, और चेहरे का बदलना अपने आप में ईमान की तब्दीली है। इस ख्वाब की ताबीर ये थी कि शौहर का ईमान हाथ से जाता रहा। सुबह उठी हैं, परेशान हैं, देखा शौहर आया है, कहता है कि ऐ उम्मे हबीबा, मैंने मसीह के मज़हब को चुन लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ईसाई बन जाओ। क़ुरबान जाए हमारी जाने इस बीबी पर, पहले तो अपने बाप की मुखालिफत की, अब अपने शौहर की मुखालिफत कर रही है। कहती है कि मैं दीन हक पर हूँ। ईमान और तख़वियत की ये क़ुव्वत थी कि जिसकी वजह से आपने अपने शौहर की मुखालिफत की। कहा कि मैं दीन हक पर हूँ, मैं इस्लाम को कबूल कर चुकी हूँ, मैं मसीह के मज़हब को कबूल नहीं करती। तारीख लिखती है कि कुछ ही दिन गुजरे थे कि शौहर का इस दुनिया से विसाल हो गया, और नसीब ऐसे चमके कि आखाए नामदार की ज़ौजियत में आ पा गई। सुभान अल्लाह, वो दिन भी आया कि जब आखा के साथ आप मदीने में रह रही हैं, और आपका बाप अबू सुफियान, जो उस वक्त भी कुफ्र और शिर्क में डूबा हुआ है, रसूलुल्लाह से मुवाहिदा करने के लिए, सुलह करने के लिए आया है। सोचा कि सबसे पहले बेटी के ये पास चला जाऊंगा, बेटी राज़ी हो जाएगी। तारीख लिखती है कि अब अबू सुफियान जब उम्मे हबीबा के घर आया है, चाहता है कि जो बिस्तर लगा हुआ है उस पर जाकर आराम कर ले। उम्मे हबीबा एक ऐसी जौजा हैं, एक ऐसी मुसल्लिमा हैं कि जो उन्होंने दौड़कर उस बिस्तर को समेट दिया और अपने बाप के सामने खड़े होकर कहने लगी कि ये रसूल अल्लाह का बिस्तर है कि जिस पर बैठने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। सुभान अल्लाह, क़ुरबान जाए हमारी जाने ऐसी बीबी पर कि जिन्होंने हमें ईमान का सबक सिखा दिया। तारीख में कई ऐसी बीबियों का जिक्र है कि जो गैर मासूम हैं, आम हैं, जिनका ताल्लुक, जिनका खून का रिश्ता किसी मासूम से नहीं है, मगर किरदार की इतनी बुलंदगी है, तख्वा इतना बुलंद है, ईमान इतना बुलंद है कि दीन इस्लाम में आपका नाम सुनहरे अल्फाजों में लिखा गया है। अज़ादार ने सैयद शहदा, अगर तख्वे का दर्स लेना है तो ज़रा करबला की माओं पर नज़र डालिएगा। इनमें ऐसी बीवियां भी हैं कि जो गैर मासूम हैं, जिनका मासूम से कोई रिश्ता नहीं है, जिनके वालिदैन गैर मासूम हैं, मगर फिर भी आमादा हैं अपनी औलाद को क़ुरबान करने के लिए ताकि दीन हक बचे, ताकि वक्त के इमाम की नुसरत हो। माओं ने अपने औलाद को क़ुरबान कर दिया ताकि खुदा का दीन बाकी रहे। अज़ादार ने सैयदुश्शहदा, यही तख्वे की क़ुव्वत थी कि जिसकी वजह से माएँ 28 रजब को अपने छोटे छोटे बच्चों को आगोश में लिए हुए मदीने से मौला के साथ सफ़र कर रही हैं। कोई मामूली बात नहीं, अरब के सहरा में गर्मी के माहौल में शीरखार बच्चे को लिए सफ़र करना, गोद में नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर सफ़र करना क्या होता है, करबला की माओं से पूछिएगा। एक मुद्दत सफ़र करके 2 मुहर्रम को ये बीबियां पहुंची हैं तो मैदान करबला में। सरदार सैयदुश्शहदा, तारीख लिखती है कि जब 2 मुहर्रम को मेरे मौला हुसैन का काफिला वारिद करबला हुआ तो मेरे मजलूम इमाम ने सबसे पहला काम ये किया कि बनी असद के कबीले वालों से करबला की सरजमीन को खरीद लिया। 60,000 दिरहम देकर मौला ने करबला की सरजमीन को खरीदा और अली अकबर के वफ कर दिया। बनी असद के मर्दों से वसीयत की कि ऐ बनी असद वालों, खबरदार कि जहरा का लाल तुम्हें वसीयत करता है,
मेरी पहली वसीयत ये कि अगर रोजी आशूरा इस सरजमीन पर मैं शहीद हो जाऊं, मैं ज़िबह कर दिया जाऊं, तो मेरी लाशें को दफन कर देना। कायनात की एक अजीब वसीयत एक मुसलमान कर रहा है। कायनात के रसूल का नवासा सैयद शबाब अहले जिन्ना मौला हुसैन वसीयत कर रहे हैं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे लाशे को दफन कर देना। कायनात में इससे छोटी किसी की ख्वाहिश ना हो कि मरने के बाद उसे दफन कर दिया जाए। मौला हुसैन ने दूसरी वसीयत की कि ऐ बनी असद के मर्दो, ख्याल रहे कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मेरे जायन अगर मेरी जियारत के लिए आए तो मेरे खबर का निशान बता देना। तीसरी वसीयत मैं हुसैन इब्न अली ये करता हूँ कि मेरे जायर को 3 दिन मेहमान रखना। मैं दस्ते अदब जोड़ कर कहूँ, मौला आलमे गुर्बत में अपने चाहने वालों का इतना ख्याल। तारीख लिखती है कि मौला इससे मुतमईन न हुए बल्कि इंतमास किया कि बनी असद के मर्दों अपनी औरतों को मेरी माजाई के पास भेज देना। बस फिर क्या था, वो वक्त भी आया कि जब बनी असद की औरतें जमा हो गई, इस जहरा के दोनों नूर ऐन खड़े हुए, यहाँ शहजादी जैनब भी मौजूद है, मौला हुसैन भी मौजूद है। मौला ने औरतों से मुखातिब होकर वसीयत की, कहा है बनी असद की औरतों, खबरदार, मैं जहरा का लाल तुमसे वसीयत करता हूँ। मैंने तुम्हारे मर्दों को वसीयत की कि जब मैं इस दुनिया में न रहूं तो मेरे लाशे को दफन करना। अगर तुम्हारे मर्द यजीद के खौफ से मेरे लाशे को तनहा छोड़ दे, दफन ना करे, तो तुम पानी भरने के बहाने जब बाहर निकलो तो थोड़ी सी मिट्टी मेरे लाशे पर डाल दिया करना कि जिससे जहरा का लाल दफन हो जाए। मौला इससे भी मुतमईन न हुए। तारीख लिखती कि अब मौला ने औरतों को इल्तिमास की कि अपने बच्चों को मेरे पास भेज देना। फिर जब बच्चे बनी असद के मौला हुसैन के पास आए, अब जहरा का लाल बच्चों से मुखातिब हुए, कहते हैं कि बच्चों, अगर तुम्हारे वालिदैन मुझे दफन ना करे और तुम खेलने के लिए घरों से बाहर निकलो, हाथों में मिट्टी लेना, मेरे कब्र पर डाल देना, मेरी मैयत पर डाल देना, तुम्हारा खेल भी हो जाए और हुसैन दफन भी हो जाए। गजब की रिवायत। मैं दस्ते अदब जोड़ कर कहूं कि मौला आपने वसीयत तो की, मगर रोजे आशूरा यहाँ शाम गरीबा का हंगाम, सैदानियां देख रही है, कुर्बान जाए हमारी जाने उन बीबियों पर। यहाँ मलूनों ने ऐलान किया कि खबरदार, हम हुसैन की लाशे को पामाल करना चाहते हैं, सारे वारिस आए और अपने वारिसों की लाशों को अलाहिदा कर ले। जो उनके खबीले वाले आते हैं, जो उनका लाशा लेकर चले गए, हुर के खबीले वालों ने हुर का जनाजा उठाया, एक एक के खबीले वाले आए, एक एक शहीद का लाशा उठा, एक जहरा का चमन था जो करबला के मैदान में बिखरा हुआ, जिसका कोई वारिस मौजूद नहीं सिवाय बीमार करबला के, कि जिसे गश से फाखा नहीं। तारीख लिखती कि उस वक्त शहजादी जैनब ने बला से मदीने का रुख किया, कहा नाना, उम्मत का अजर रिसालत देखिए, आज आपके नवासे को दफन करना।